भारत की विविधता को देखकर आज भी दुनिया अचंभित रह जाती है। उत्तर से दक्षिण चले या पूर्व से पश्चिम, लोग, भाषा, संस्कृति, सब कुछ बदल जाते हैं। इन विरोधाभासों के बावजूद ये देश एकता के मजबूत धागे में बंधा है। इस धागे को बुनने, इसे मजबूत करने और इसकी रक्षा सुनिश्चित करने का सबसे बड़ा श्रेय एक व्यक्ति को जाता है, और वो व्यक्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी स्मृति में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। विशेष की आज की कड़ी समर्पित है मजबूत इरादों से भारत की कल्पना को मूर्त रूप देने वाले इस महान शख्सियत पर, जिस देश ने अपनी एकता से अंग्रेजी हुकूमत को झुका दिया। उस देश के आजाद होते ही सबसे बड़ी चुनौती थी इस एकता को बनाए रखने की। पाकिस्तान अलग देश बन चुका था और बंटवारे की टीस दिलों में थी, लेकिन बंटवारे के बाद भी भारत के सामने चुनौती थी भारत की रियासतों का देश में विलय कर एक अखंड देश की स्थापना करना। देसी राजाओं को मनाने और भारत को साथ लाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे अहम भूमिका निभाई। पंद्रह अगस्त 1947 को भारत सैकड़ों साल की गुलामी से मुक्त हुआ। कठिन संघर्ष और बलिदान के बाद मिली ये आजादी बिना शर्त नहीं थी। देश को बंटवारे का जहर पीना पड़ा। 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक और नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। विभाजन के नियम अंग्रेजों ने तय किए। अंग्रेज प्रशासित राज्य दोनों देशों के बीच मजहबी आधार पर बांटे गए। बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं हुआ था, आबादी भी धार्मिक आधार पर बट रही थी। देश सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था, लेकिन असली मसला देसी रियासतों का था। आजादी के समय देश में कुल 565 रियासतें थीं। माउंटबेटन प्लान के तहत राजाओं और रजवाड़ों को दोनों देशों में से किसी एक को चुनने या अलग रहने का विकल्प दिया गया। बतौर गृह मंत्री सरदार पटेल पर लोगों की सुरक्षा और देश को एक रखने की दोहरी जिम्मेदारी थी। कई रजवाड़े भारत में विलय के लिए आसानी से तैयार हो गए, लेकिन कई ऐसे भी थे जो स्वतंत्र रहने का ख्वाब देख रहे थे। सरदार पटेल ने राजाओं और नवाबों से देशभक्ति की भावना दिखाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देसी राजा भारत की आजादी से जुड़ें और ऐसे जिम्मेदार शासक की तरह बर्ताव करें जो सिर्फ अपनी प्रजा के भविष्य की चिंता करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि देसी राजाओं का अलग राज्य बनाने का सपना असंभव है और भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनने में ही उनकी भलाई है। 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल ने रियासतों के प्रति आजाद भारत की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि रियासतों को 3 विषयों, सुरक्षा, विदेश और संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। कई रियासतों ने भारत सरकार की बात मान ली और 15 अगस्त आने से पहले ही विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। कुछ राजाओं ने थोड़ी नानुकुर की, लेकिन कोई विकल्प न होने पर विलय की बात उन्हें माननी पड़ी। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर भारत का हिस्सा बनने को तैयार नहीं थे। जूनागढ़ ने पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की, जबकि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अलग देश बने रहने का ऐलान किया। 5 सितंबर 1947 को जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महावत खान जी ने पाकिस्तान के साथ विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। सरदार पटेल ने नवाब से अपना फैसला बदलने को कहा, लेकिन नवाब नहीं माना। इस बीच जूनागढ़ के लोगों ने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बढ़ते विद्रोह के बीच नवाब को पाकिस्तान भागना पड़ा और जूनागढ़ भारत में मिला लिया गया। इधर निजाम ने हैदराबाद को आज़ाद देश घोषित कर दिया। भारत ने निजाम से अपना फैसला बदलने की अपील की। जून 1948 में माउंटबेटन ने हैदराबाद को भारत से समझौता करने की सलाह दी। प्रस्ताव के तहत हैदराबाद भारत की प्रभुता के अधीन एक स्वायत्त राष्ट्र का दर्जा पा सकता था, लेकिन निजाम नहीं माना। इस बीच हैदराबाद में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। भारत ने हैदराबाद में सेना भेजने का फैसला किया। 13 सितंबर 1948 को भारत और हैदराबाद के बीच लड़ाई शुरू हुई।
18 सितंबर को निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इधर कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के जवान और कबायली घुस आए। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने विलय पत्र पर दस्तखत किए बिना मदद भेजने से इनकार कर दिया। आखिरकार 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने विलय के कागजात पर दस्तखत कर दिए। इसी तरह मार्च 1948 में नवाब हमीदुल्लाह ने भोपाल के स्वतंत्र रहने की घोषणा की और मई में एक मंत्रिमंडल घोषित कर दिया, लेकिन भोपाल की जनता ने इसका विरोध किया। 29 जनवरी 1949 को नवाब ने मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया। भारत के दबाव और जनता के विरोध के बीच 30 अप्रैल 1949 को नवाब ने विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। 1 जून 1949 को भोपाल रियासत भारत का हिस्सा बन गई। इस तरह तमाम देसी रियासतें भारत का हिस्सा बन गईं। देश की एकता अखंडता को मजबूत करने और मौजूदा स्वरूप तैयार करने में सरदार पटेल ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसे देश कभी नहीं भूल सकता। सरदार पटेल के नेतृत्व में हुए खेड़ा और बारदोली सत्याग्रह की राष्ट्रीय आंदोलन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही। दरअसल महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर आधारित चंपारण आंदोलन की सफलता ने लोगों को उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने का नया रास्ता दिखाया। तो खेड़ा और बारदोली के सत्याग्रह आंदोलन ने सरदार पटेल को एक बड़े जननेता के रूप में स्थापित कर दिया। 1917 का सावन गुजरात के किसानों के लिए मुसीबत बनकर आया। इस साल बहुत ज्यादा बारिश हुई। लगातार बारिश से बाढ़ के हालात बेकाबू होते चले गए। खेतों में पानी जमा होने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। खेड़ा जिले के आसपास खाद्यान्न और पशुओं के चारे की भारी दिक्कत हो गई। इंसान और जानवरों के लिए भुखमरी के हालात बन गए। ऐसे हालात में खेड़ा के किसानों ने सरकार से अनुरोध किया कि उनसे मालगुजारी ना वसूली जाए, लेकिन अंग्रेज नौकरशाहों ने किसानों की फरियाद सुनने से इनकार कर दिया। गुजरात का अध्यक्ष होने के नाते महात्मा गांधी ने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर मालगुजारी की वसूली रोकने की मांग की। जब कोई जवाब नहीं मिला तो गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों को सत्याग्रह की सलाह दी और शपथ दिलाई कि कोई भी किसान बकाया मालगुजारी नहीं देगा। गांधी जी के आह्वान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल वकालत छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। उनके बड़े भाई विठल भाई पटेल के अलावा शंकरलाल बैंकर, अनसुईया बहन, इंदुलाल याज्ञिक और महादेव देसाई जैसे नेता गांव-गांव जाकर किसानों को जागृत करने में लग गए। उन्होंने किसानों में सरकारी अफसरों से न डरने का साहस जगाया। सरकार ने आंदोलन दबाने की भरपूर कोशिशें की, लेकिन असफल रही। आखिरकार अंग्रेज सरकार को समझौता करना पड़ा। खेड़ा आंदोलन ने सरदार पटेल की जिंदगी बदल दी। इसके बाद वो पूरी तरह महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति समर्पित हो गए। उन्होंने विदेशी कपड़ों का त्याग कर खादी पहनना शुरू कर दिया। 1928 सरदार पटेल के जीवन का अहम पड़ाव था। इस साल गुजरात का बारदोली तालुका बाढ़ और अकाल से पीड़ित था। किसान भुखमरी के कगार पर थे। ऐसे में ब्रिटिश शासकों ने सालाना लगान 30% तक बढ़ाने का फरमान सुना दिया। इससे किसानों में गुस्से की लहर दौड़ गई। बढ़ा हुआ लगान 30 जून 1927 से लागू होना था। तत्कालीन मुंबई विधानसभा ने इस लगान वृद्धि का विरोध किया। किसानों का एक मंडल उच्च अधिकारियों से मिला, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। जब सरकार टस से मस न हुई तो इसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन करने का फैसला लिया गया। किसानों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि बढ़ा हुआ लगान किसी भी कीमत पर अदा नहीं किया जाएगा। महात्मा गांधी की सलाह पर आंदोलन की कमान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सरकार ने लगान ना देने पर किसानों के पशुधन और घरों की कुर्की करानी शुरू कर दी। इस बीच गांधी जी की अपील पर 12 जून को पूरे देश में बारदोली दिवस मनाया गया। इसके बाद आंदोलन चारों तरफ फैल गया। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। वायसराय की सलाह पर मुंबई सरकार ने लगान के आदेश को रद्द कर दिया। आंदोलन की सफलता पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा में महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल
भारत की आजादी में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व देश के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक और क्रियात्मक रूप में एक नई दिशा देने वाले सरदार पटेल ने राजनीतिक इतिहास में एक अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान हासिल किया। अटल इरादों और लौह इच्छा शक्ति की वजह से ही उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार पटेल ने युवावस्था में ही राष्ट्र और समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और अंत तक देश को नई दिशा देने के लिए संघर्षरत रहे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक मजबूत और अटल सेनानी की भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल आजाद भारत के पहले गृह मंत्री थे। आजादी की लड़ाई में उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से ही उन्हें भारत के लौह पुरुष का खिताब मिला। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाड में उनके ननिहाल में हुआ। पिता झावरे भाई पटेल पेशे से किसान थे। 5 भाइयों और 1 बहन के बीच पटेल चौथी संतान थे। बचपन से ही पढ़ाई में तेज सरदार पटेल को शिक्षा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्राथमिक शिक्षा अपने गांव करमसद से पूरी करने के बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए पेटलाड के स्कूल में भर्ती हो गए। 1897 में 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा नाडियाड के माध्यमिक स्कूल से पास की। इसके बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और गोधरा में वकालत शुरू कर दी। 1902 में वो बोरसद में वकालत करने लगे। वहाँ वे फौजदारी मुकदमे में काफी कामयाब हुए, जिसके कारण उन्हें अच्छी खासी शोहरत मिली। 1893 में 18 साल की उम्र में वल्लभ भाई का विवाह झावेरबा से हुआ। बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए वल्लभ भाई पटेल जुलाई 1910 में इंग्लैंड चले गए। वहाँ मिडिल टेम्पल में लॉ की पढ़ाई में दाखिला ले लिया। वहाँ कॉलेज में उन्होंने टॉप किया। 1913 में पटेल भारत वापस लौट आए और जल्द ही देश के मशहूर क्रिमिनल वकील बन गए। वल्लभ भाई ने सबसे पहले अपने स्थानीय क्षेत्रों में शराब, छुआछूत और नारियों के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान खेड़ा आंदोलन में हुआ। ये सरदार पटेल की पहली बड़ी सफलता थी। 1922 में बोरसद में सत्याग्रह में उन्होंने हदिया कर को खत्म कराया। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ और इसके बाद पटेल का नाम पूरे देश में फैल गया। इस आंदोलन की सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से नवाजा गया, जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया। गांधी जी की नीतियों और आदर्शों से प्रेरित होकर सरदार पटेल स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गए और जब एक बार स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े उसके बाद तो उन्होंने आजादी के सभी प्रमुख आंदोलनों में सक्रिय रूप से भागीदारी की। 15 अगस्त 1947 को देश तो आजाद हुआ, लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता और सूझबूझ से बिना किसी खून खराबे के देसी रियासतों को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाध्य किया। 1948 में गांधी जी की मृत्यु से सरदार पटेल को गहरा आघात पहुंचा और 2 वर्ष बाद उन्हें भी हार्ट अटैक हुआ, जिससे वे उबर नहीं पाए और 15 दिसंबर 1950 को इस दुनिया से चले गए। 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। सरदार पटेल ने अपने मजबूत इरादों से देश एक किया और सुनिश्चित किया कि इसकी अखंडता पर कोई आंच ना आए। इसीलिए उनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। देश में एकता के स्वर को सबसे ज्यादा बुलंद स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया। वे उस सदी में आज के युवा जैसी नई सोच के व्यक्ति थे। वे हमेशा देश को एकता का संदेश देते रहे। यही वजह है कि 2014 से हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को 31 अक्टूबर को पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में बनाई गई है।
भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की 560 से ज्यादा रियासतों को एकता के सूत्र में बांधकर अखंड भारत की रचना की थी। भारत के लौह पुरुष ने देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित की। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत की आधुनिक प्रशासनिक सेवा के संस्थापक थे। इन्हीं के सम्मान में 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन सरदार पटेल के राष्ट्रीय अखंडता और एकता में योगदान को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए देश भर में रन फॉर यूनिटी जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में ही बनाई गई है। 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विशालकाय प्रतिमा का अनावरण किया। सरदार पटेल की 182 मीटर की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी साधु बेट द्वीप पर बनाई गई है। ये गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया में बने सरदार सरोवर बांध से करीब 3.2 किलोमीटर दक्षिण में है। ये प्रेरक स्मारक स्थल नर्मदा नदी की ओर सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी, गुरुदेश्वर से घिरी सरदार सरोवर बांध और केवड़िया शहर के बीच स्थित है। ये अहमदाबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डीम प्रोजेक्ट था। 2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा करते हुए कहा था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होगी। इस परियोजना का शुभारंभ 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल की जयंती के मौके पर तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। उसी वक्त इस प्रतिमा के निर्माण के लिए लोहा जमा करने के मकसद से देशव्यापी अभियान की शुरुआत हुई थी। 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की खासियत की बात करें तो इस प्रतिमा को 7 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। कुल ऊंचाई आधार से लेकर शीर्ष तक की बात करें तो 240 मीटर है, जिसमें आधार तल की ऊंचाई 58 मीटर और प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है। इस मूर्ति की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरदार पटेल की प्रतिमा के जैकेट में टंगे बटन का व्यास ही 2.5 मीटर से ज्यादा है। इस परियोजना में 75,000 घन मीटर बजरी, 5,700 मीट्रिक टन स्टील, 18,500 लोहे की छड़ें और 22,500 मीट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया। प्रतिमा के मूल ढांचे को कंक्रीट और स्टील से बनाया गया है, जबकि ऊपरी सतह में 553 कांस्य पैनल का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे हर कांस्य पैनल में 10 से 15 माइक्रो पैनल हैं। पद्मश्री से सम्मानित मशहूर मूर्तिकार राम वान जी सुतार ने प्रतिमा का डिजाइन तैयार किया था। इस प्रतिमा के अंदर 2 लिफ्ट भी लगी हैं। इस लिफ्ट से पर्यटक सरदार पटेल की प्रतिमा के हृदय तक जाते हैं। यहां से बांध के अलावा नर्मदा के 17 किलोमीटर लंबे तट पर 230 हेक्टेयर में फैली फूलों की घाटी देखी जा सकती है। प्रतिमा के साथ 153 मीटर की ऊंचाई पर 200 पर्यटकों की क्षमता वाली एक दर्शक गैलरी बनाई गई है, जहां से दर्शक बांध और आसपास के वातावरण का नजारा देखते हैं। भूतल पर सरदार पटेल के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी है, जहां से 2 हाई स्पीड लिफ्ट से पर्यटक दर्शक गैलरी पर जाते हैं। पटेल की जीवनी पर आधारित दृश्य श्रव्य प्रस्तुति और प्रदर्शनी हॉल दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। प्रतिमा को पूरा करने के लिए करीब 3400 कामगार और 250 इंजीनियर दिन रात काम में जुटे रहे। प्रतिमा का निर्माण भूकंपरोधी और जंगरोधी तकनीक से किया गया। इस पर 6.5 तीव्रता का भूकंप और 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं का भी असर नहीं होगा। वैसे इस प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर रखने के पीछे भी एक दिलचस्प कारण है। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं। कुल मिलाकर कहें तो ये प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व की भव्यता को मूर्त रूप देने की कोशिश है, एक श्रद्धांजलि है।